हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, अभी सुबह के लगभग लगभग 10:30 बज चुके हैं और अभी मैं हूँ यहाँ घर पे और मेरे साथ है श्रेयांश। अभी यहाँ पे ये देखो खेल रहे हैं और मम्मी उधर गौशाला में है। तो यहाँ देखिए श्रेयांश को ये झाड़ू पकड़ के झाड़ू मार रहा है ना। ए क्या कर रहा है? उसको वहीं पर रख, वहाँ पर रख, नहीं रखा। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल तो है घर में और अभी देखते हैं थोड़ा खेत में जाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं खेत में और खेत में जा ही रहा हूं अभी, और साथ में श्रेयांश की मम्मी तो पहले ही चली गई है आज खेत में। तो अभी थोड़ा सा आज थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा हेल्प करी जाएगी श्रेयांश की मम्मी के साथ। और आज बहुत दिनों बाद मैं खेत में आ रहा हूँ। और बाकी दोस्तों, आजकल जो ये खेत हैं इनमें अभी थोड़ा सा मतलब गुड़ाई वगैरह होती है और किस तरीके से होती है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो बाकी पहले चलते हैं पहले खेत में। ये है खेत और इसमें देखो अभी गुड़ाई हो रही है। यहाँ पे श्रेयांश की मम्मी अभी इसके गुड़ाई कर रही है। मतलब गुड़ाई का मतलब आजकल ये होता है, जिलके वगैरह निकाले जाते हैं और ये होता है, ये धान का है, ये इसको निकाला जाता है, जिलके कहते हैं इसको। तो इसको निकाल करके इस तरीके से इसको बना करके, और जब ये सूख जाएगा इसको जलाएंगे। तो अभी इस तरीके से गुड़ाई होती है, श्रेयांश की मम्मी करती है गुड़ाई। तो ये देखिए, तुम जो खा थकना नहीं है, बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं भी लग गया हूँ इधर गुड़ाई पे। और दोस्तों, अभी बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ तो थकान भी लग रही है। तो अभी थोड़ा सा आपको वो टाइम लैप्स दिखाते हैं और टाइम लैप्स के लिए इसको सेट करते हैं पहले कैमरे को। तरीके से गुड़ाई होती है और जो आगे के जिलके हैं उनको यहाँ पे जमा कर रहे हैं। और ये देखो गुड़ाई। और दोस्तों, ऐसा होता है ना, आगे से कुछ इस तरीके से पत्ते भी होते हैं, इनको भी साफ करके एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ता है साफ करके। जैसे इधर हैं ये वाले, जैसे ये पत्ते हैं, ये पत्ते हैं, इसको इकट्ठे करके साफ करके आगे से, और तब जाके इसको इसको ऐसे इकट्ठे करना पड़ता है एक जगह पर ये, और इसको साफ करके तब इसकी गुड़ाई करनी पड़ती है। इसको पता क्यों नहीं, पता नहीं क्यों हंसी आ रही। क्या हुआ? क्या यार? क्या हुआ? क्यों? पूरा खेत साफ करना पड़ता है ऐसे ऐसे, इसको ऐसे में। तो ये कुछ इस तरीके से पूरे खेत का, ये जो जिलके वगैरह और इसमें जो हमारी वो होती है, इसको क्या कहते हैं, मरचौड़ जो इस पे वो होता है, मार्चा, मार्चे को क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, मार्चे तोर वगैरह जो दाल होती है उसके हैं ये। और इसको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे फिर यहाँ, और यहाँ की गुड़ाई करेंगे। और दोस्तों, गुड़ाई इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि क्या होता है इससे है, अब धान बोना है तो खेत साफ तो होता है, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या होता है? तो एक्चुअल रीजन ये होता है कि जब अगर इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे तो इसमें हल लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अगर इसमें गुड़ाई वगैरह कर रखी रही होगी तो इसमें हल लगाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। और जैसे कई इलाकों में ऐसा भी होता है कि बिना गुड़ाई करके सीधे हल लगाया जाता है,
तो जैसे इन्हीं के यहाँ होता है, इनके यहाँ है ना, तुम्हारे यहाँ होता है ना ऐसे? हाँ, क्या होता है तुम्हारे यहाँ? सीधे सीधे लगाते हैं, ऐसे नहीं करते? हाँ, साफ करते हैं पर गुड़ाई नहीं करते, खाली ऊपर ऊपर से साफ, खाली कबाड़ साफ करते हैं, पत्ते वगैरह। अच्छा, तो दोस्तों इनके यहाँ थोड़ा सा सिर्फ ऊपर से जो कबाड़ होता है, जो ये मतलब तोर के जो वो तने होते हैं और मार्शा जो मार्शे का तना होता है उसको तोड़ करके उससे साफ करते हैं, और वो तो लकड़ियाँ जलाने के काम आ जाते हैं, जैसे हमने तो यहीं छोड़ रखी हैं, लेकिन कई लोग इनको घर में ले आते हैं और इसको इससे आग जलाते हैं, तो ये जलाने के काम भी आ जाते हैं, और थोड़ा सा ठंड के मौसम में मतलब आग की सकाई भी हो जाती है। श्रियांश की मम्मी लगी हुई है पीछे गुड़ाई करने पे, और बाकी दोस्तों आज देख सकते हो आप यहाँ से ये वाला एरिया, यहाँ से ये वाला मैंने उस समय दिखाया था आपको, तो यहाँ से और तकरीबन यहाँ तक हम गुड़ाई करके पहुँच चुके हैं, और अभी पूरा यहाँ तक है, ये पूरा देख रहे होंगे आप लास्ट हिस्सा वहाँ, और ये उसके बाद ये ऊपर वाला भी है, तो ऊपर वाले में तो कल करेंगे, आज फिलहाल ये पूरा कंप्लीट हो जाए वही बहुत है शाम तक, तो देखते हैं दोस्तों। शाम तक तो नहीं होगा पूरा, अभी तो नहीं होगा पूरा, क्योंकि अभी थोड़ी देर मतलब वहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, जहाँ पे वो कूड़ा इकट्ठा करके रखा हुआ है वहाँ तक करेंगे अभी, और उसके बाद घर जाएंगे, और शाम को आएंगे फिर दोबारा, मैं नहीं आऊँगा, श्रियांश की मम्मी आएगी, है ना? तुम आओगे ना? हेलो, तो दोस्तों ये देख सकते हो आज उधर तक हमने कर दिया है, गुड़ाई कर दिया, और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा आग भी लगा दिया क्योंकि इनको जलाना पड़ता है, और साथ में श्रियांश की मम्मी इधर अभी जला ही रही है, और इसके बाद घर निकलते हैं, 2 बजे का टाइम हो गया है। चलो यार, है? चलो चलो चलो, तो ये देखो ऊपर उनके लिए बोल रही है, यहाँ पे भी है कोई, चलो दो। तो दोस्तों अभी चलते हैं घर, निकलते हैं। तो दोस्तों ये श्रियांश की मम्मी थोड़ा सा पराली ले जा रही है घर भैंस के लिए, उधर पेड़ पे बांध रखे हैं तो नीचे गिर रखे थे, तो जिसको अभी घर ले जा रही है। दोस्तों खेतों में बहुत काम करना पड़ता है, और पहाड़ी इलाकों में तकरीबन यही सारे काम, मतलब लगभग जो पहाड़ी इलाके जितने भी हैं उनमें सारे काम इसी प्रकार से होते हैं, चाहे उत्तराखंड में कोई भी इलाका हो, भले थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा अलग होगा, अलग ये होगा कि कहीं पे इस तरीके से ये गुड़ाई होती है और कहीं पे थोड़ा हल लगा देते हैं डायरेक्ट, बस ये अंतर है, डिफरेंस ये है, और जैसे अगर यहाँ गुड़ाई करते हैं तो कहीं जगह सीधे हल लगाते हैं, और कई जगह पे ऐसा भी होगा कि वहाँ किसी टाइम गुड़ाई करते होंगे और यहाँ डायरेक्ट हल लगता है, तो ऐसा होता रहता है। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं घर में, और ये देखो श्रियांश क्या कर रहा है, हाथ मुँह भी धो दिया मैंने, अब इसको देखो दरवाजे बंद खुला कर रहा है, इसको देखो है, ये कौन है, ये बंद कर दिया, ये कौन है यहाँ, देखो हेलो करो, हेलो हेलो करो, बोला हेलो गाइस, ये बंद कर दिया। तो दोस्तों श्रेयांश अभी अंदर है, दरवाजे बंद खुला कर रहा है, इधर देखो, ये देखो इसको, है ना? तो दोस्तों अभी भूख भी लग गई है क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करते हैं, जल्दी नहीं कर रहा डांस, हैं? डांस कर, हाँ ऐसे कर रहा। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 8 बज चुके हैं, और हमारा खाना पीना भी हो चुका है, तो अभी श्रियांश की मम्मी नीचे बर्तन धुल करके आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, साथ में इसको ले आया हूँ ऊपर श्रेयांश को। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं लगभग, और हमारा खाना पीना भी हो चुका है, तो अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा था और साथ में श्रेयांश को ले आया ऊपर, और श्रेयांश की मम्मी भी बर्तन वगैरह धुल करके आ गई है यहाँ पे। डांस कर, तो डांस कर, डांस नहीं कर रहा, डांस नहीं कर रहा, देखेगा ना,
हाँ अब डांस कर, चल हाँ ऐसे खाली कूद मत। तो दोस्तों अभी मतलब मैं यहाँ पे काम कर रहा था और खाना पीना हो चुका है हमारा और बर्तन वगैरह धुल करके आ गई है श्रेयांश की मम्मी। तो अभी दोस्तों थोड़ा सा काम बाकी है मेरा अभी, तो उसको कर लेता हूँ पहले पूरा।